रूसी सेना की ओर से खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल से यूक्रेन में जलजला आ गया है। यूक्रेन कई इलाकों को गंवाता जा रहा है तो कई अहम ठिकाने जलकर राख बन रहे हैं। इससे घबराए यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पश्चिमी देशों के हथियारों के दम पर रूस को चुनौती दे रहा यूक्रेन संकट में घिरता जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अब रूस के गाइडेड एयर बमों के इस्तेमाल पर सनसनीखेज दावा किया है। जेलेंस्की ने इन रूसी हथियारों की तुलना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर के कुख्यात कॉर्बेट बॉम्बिंग से कर दी है। जेलेंस्की ने कहा कि ये वही रणनीति है जिसका इस्तेमाल हिटलर ने किया था। जेलेंस्की ने इन सटीक हथियारों से होने वाले गंभीर और बढ़ते खतरे की ओर भी इशारा किया। इन हथियारों से नागरिक लक्ष्यों के खिलाफ बड़ी संख्या में तैनात करने के आरोप भी लगाया है ताकि खौफ पैदा किया जा सके, लोगों को खाली कराया जा सके, इसमें यूक्रेनी कस्बों और गांवों पर आसान कब्जे की सुविधा मिल सके, जिन्हें होरोमाडास के नाम से भी जाना जाता है। रूस हर महीने 3200 से 3500 गाइडेड एयर बमों का इस्तेमाल करता है। रूसी सेनाएं अपने हवाई इलाके के भीतर 1.5 टन के ग्लाइड बम लॉन्च कर रही है। इससे यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर काफी प्रभावित हो रहा है। यह अब अपनी सटीक ताकत बढ़ाने के लिए विंग किट और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से लैस है। इससे उन्हें 50 से 70 किलोमीटर तक उड़ान भर पाते हैं। लक्ष्य पर ज्यादा सटीकता से हमला करते हैं। 500 किलोग्राम तक के विस्फोट पेलोड के साथ ये बम बड़े पैमाने पर गड्ढे बनाते हैं और बड़ा विनाश का कारण बनते हैं। खार्किव ओब्लास्ट के शहर और गांव अक्सर बड़े पैमाने पर रूसी तोपखाने की गोलीबारी और हवाई हमलों की चपेट में आते हैं। खार्किव ओब्लास्ट के गवर्नर ने कहा कि बीती 16 जून की आधी रात को रूसी सेना के खार्किव के किवस्की जिले में बच्चों के कैंप पर कैप गाइडेड बम गिराया गया। इससे एक बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। जेलेंस्की ने रूस पर यूक्रेनी जनता के मनोबल को तोड़ने की कोशिशों में इन बमों के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। यूक्रेनी राष्ट्रपति का दावा है कि गंभीर हालत के बावजूद यूक्रेनी सेना प्रमुख इलाकों को नियंत्रण करने में कामयाब रही। यूक्रेनी सेना गाइडेड एयर बमों का भी इस्तेमाल करती है। उनके हथियारों का जखीरा बहुत छोटा है और काफी हद तक पश्चिमी सहयोगियों की सप्लाई पर निर्भर करता है। बीते 9 जून को यूक्रेनी आर्म फोर्स ने एयर फोर्स कमान के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल ने खुलासा किया कि यूक्रेन कुछ हफ्तों के अंदर अपने घर में बने गाइडेड बमों का टेस्ट शुरू कर देगा। अब आपको बताते हैं कि कॉर्पेट बॉम्बिंग क्या होती है। इस तरह की बॉम्बिंग में एक के बाद एक बम बरसाए जाते हैं जिससे चुने हुए इलाके के हर हिस्से में नुकसान पहुंचे। इस बमबारी को सैचुरेशन बॉम्बिंग के नाम से भी जाना जाता है। इससे पूरा इलाका बम के धमाकों से ढक जाता है।